हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री चैप्टर टू, जो कि हम लोग पढ़े थे चैप्टर टू दैट इज सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है ना। और इस वीडियो को देखने से पहले आपने अगर प्रीवियस वाले वीडियोज आपने अगर नहीं देखे तो आप जाकर के पहले उन वीडियोज को आप देखो, ठीक है, तभी आपको बेसिक्स आइडिया समझ में आएगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए हैं इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में। आप जाकर के देखो, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है ना। देखो तो अब हम सर इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हमारा जो है देखो हमारा जो टॉपिक है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमने कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमने कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमने थ्योरी को हमने समझ लिया। नाउ हम इस वीडियो में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये टॉपिक चलने वाला है सॉल्युबिलिटी। इस वीडियो में हम केवल और केवल सॉल्युबिलिटी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। आप हेडिंग लगा लो सॉल्युबिलिटी, समझते हैं क्या होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। देखो बच्चे, समझना बहुत आसानी है, समझना इसको बहुत आसानी है। जैसे अगर हम बात करें कि सर सॉल्युबिलिटी क्या है, जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास, बढ़िया से देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा सर मेरे पास एक ग्लास था और मैंने कहा आपसे बच्चे कि चलो मेरे लिए आप एक शरबत बना करके ले आओ, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें पानी डालोगे, तो पानी आपका क्या हो गया, एज एक सॉल्वेंट हुआ, ध्यान समझो। और फिर आपने इसमें क्या डाला, आपने इसमें शुगर डाला, दैट इज आपने इसमें चीनी डाला, शर्करा आपने डाला, इसमें चीनी डाला, है ना, ठीक है। और आपने क्या किया, इसको चम्मच से ऐसे 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 क्या कर दिया, मिलाया। तो ये जो अच्छा ये जो आपने जो चीनी डाली है ना, ये जो आपका जो शुगर है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट बेसिकली क्या कर रहा है, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है, समझ रहे हो। सॉल्वेंट का काम क्या होता है, सॉल्यूट को डिसॉल्व करना। तो आप ये देखोगे जब आप इसको घोलोगे, है ना, और घोलते जाओ तो जो हमारा पूरा का पूरा जो शुगर होगा वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, इस वाटर में कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, हो गया डिसॉल्व। अच्छा अब आपने कहा कि नहीं नहीं सर, चलो हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि लोगों को थोड़ा सा और मीठा पानी पिलाते हैं, मतलब और ज़्यादा हम इसको और मीठा बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, और फर्दर आप इसमें शुगर के पार्टिकल्स जो है वो शुगर या फिर आप डालोगे, मान लो आपने आधा किसी ऐसा नहीं करना, आपने इसमें आधे केजी जो है आपने इसमें चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया, क्या होगा, घोलोगे तो जितना अमाउंट घुलना होगा शुगर का वो तो घुल जाएगा, क्या उसके बाद शुगर घुलेगा, मेरी बात समझ रहे हो। आप ऐसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, ऐसे आधा कीजिए चीनी और बाद मत करें ना, वरना फिर पता चला मम्मी पीटने लगेंगी, नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जितनी देखो जितनी अमाउंट शुगर की इसमें घुलनी थी वो तो घुल चुकी, लेकिन अब उसके बाद यहां से इस शुगर का जो डिसोल्यूशन है यानी कि जो घुलना है वो बंद हो जाएगा। अब आपको साफ साफ दिखाई देगा कि भाई ये चीनी है और पानी है और पानी के अंदर क्या हमें साफ साफ चीनी नजर आ रहा है, लेकिन हमने मान लो बहुत ही थोड़े अमाउंट में अगर हमने चीनी लिया था तो हमें कुछ भी चीनी भी नहीं नजर आ रहा था, दैट इज हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का अब आपको एग्जैक्ट मतलब समझ में आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, देखो आपका ये जो शुगर है वो क्या है, वो आपका सॉल्यूट है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, तो अगर सॉल्यूट अपने मैक्सिमम अमाउंट को डिसॉल्व कर ले पर्टिकुलर सॉल्वेंट में तो हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज हमारा वो जो अमाउंट होगा, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सिंपल है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। भाई है कितनी सॉल्युबिलिटी, कितना सॉल्युबल हो सकता है ना। अब ये डिपेंड करेगा, देखो डिपेंड करेगा, तो आपको यहां पर जो वाटर की अमाउंट है वो कांस्टेंट रखनी है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है। हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में हम केवल इसी की तो बात करेंगे, टेम्परेचर और सारी इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं कहे कि ऐसा नहीं कि आपको अब चीनी को घोलने के लिए आप फिर से पानी मिला दोगे, ठीक है, आप फिर से पानी मिलाओ तो फिर से शुगर क्या होने लगेगा, फिर से घुलने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें अपने सॉल्वेंट को फिक्स रखना है, एक फिक्स अमाउंट में लेना है और हमें अपना टेम्परेचर भी फिक्स रखना है ना। टेम्परेचर का भी हम अभी इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको अब देखो, अभी आपका मैं थीम तैयार करूँ ना, क्या जैसे आपने कहा सर अब ये तो मेरा घुल नहीं रहा, आप इसे क्या करोगे, आप इसे गैस पे गर्म करो, तो गैस पे जब आप गर्म करोगे तो जैसे जैसे वाटर गर्म होगा वैसे वैसे इस जो ये जो आपकी जो चीनी है ना इसके अंदर वो और भी क्या होगी, और ज्यादा घुलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो सॉल्युबिलिटी का समझ में मतलब आ रहा है, पर्टिकुलर हम किसी एक टेम्परेचर की बात करेंगे, हमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे। मान लो जैसे आपका वाटर है रूम टेम्परेचर पर, जो जो भी हो
उसकी रूम टेम्परेचर जो भी हो, तो हम उसी रूम टेम्परेचर पर हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि हम अपने टेम्परेचर को बढ़ा दें। हाँ, अगर आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, आपने गलती से चीनी ज़्यादा डाल दी और चाहते हो कि नहीं नहीं हम तो अब चीनी को हमें पूरा घोलना ही घोलना है, चीनी जो हमें वो दिखाई ना दे हमारे इस वाटर में, हमारे सॉल्वेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर गर्म करना है। वो बात की बात है, हम ये सारी चीज़ें यही सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको समझ में आया सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, कि सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट अगर डिसॉल्व हो जा रहा है किसी भी सॉल्वेंट में, तो हम दैट इज कहेंगे कि भाई वही उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। वो उससे ज़्यादा वो सॉल्युबल डिसॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात, सॉलिबिलिटी का मतलब समझ में आया। ठीक भाई बच्ची, जो मैंने आपको बताया है सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या कि सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो मैंने यहाँ पर सॉल्यूट लिया है, अभी यहाँ पे बात समझना, अभी पूरी की पूरी कहानी बची है। मैंने यहाँ पर क्या लिया कि वो सॉल्यूट लिया, हम चाहते तो हम सॉल्यूट की जगह हम सॉलिड लिक्विड गैस भी ले सकते थे, लेकिन हमें जो पढ़ना है हम अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखो एनसीईआरटी में हमें जो पढ़ना है, तो एनसीईआरटी सॉल्युबिलिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आपने वही सेम कहानी, आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसमें चीनी डाल दिया, है ना, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि आपने चीनी, मान लो आपके पापा ने कहा कि चलो बच्चे मेरे लिए जो है आप एक लीटर का शरबत बना दो, तो आपने कहा सर एक लीटर के शरबत में आप क्या करोगे, आप एक लीटर पानी लोगे, दैट इज वो आपका सॉल्वेंट हो गया, और उसमें स्पेसिफाइड अमाउंट में मतलब आप वो आपका एक ही स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब उसमें चीनी डाल रहे हो, वो अलग बात है कि ज्यादा कम मत बना देना, अच्छा से बना करके देना, ठीक है चलो। तो आपने कहा सर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है या टेम्परेचर कम नहीं करना है, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, तो दैट इज उस कंडीशन को हम कहेंगे दैट इज क्या, हमारी सॉल्युबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉल्यूट की। तो सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है। अब देखो अभी हमारा जो सॉल्यूट होता है वो बेसिकली तीन तरीके का हो सकता है, बात समझो। आपने कहा सर मेरा जो सॉल्यूट है वो मेरे तीन तरीके का हो सकता है, कैसा हो सकता है सॉल्यूट मेरा तीन तरीके का हो सकता है, मेरा हो सकता है ये सॉलिड, है ना, लिक्विड और गैस, बोलो तीन तरीके का हो सकता है ना। अच्छा मेरा जो सॉल्वेंट है भाई, सॉल्वेंट भी मेरा तीन तरीके का हो सकता है, क्या पता अब जो मतलब कोई ऐसे दूसरे कुछ प्राणी होंगे जो आपको हंसी आ रही सच में, ऐसे कुछ दूसरे भी तो प्राणी होंगे जो पानी पीना नहीं पसंद करते हैं, जो अल्कोहल पीना पसंद करते हैं, समझ मेरी बात। तो सॉल्वेंट भी हमारा मतलब तीन तरीके का हो सकता है ना, क्या हमारा हो सकता है सॉलिड, अपने ये चीजें पहले ही लेक्चर में आपने ये चीज पढ़ा है ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो अब हमें यहां से सर पढ़ना क्या है, सॉल्युबिलिटी हमें सर किसकी किसकी पढ़नी है। देखो आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक है आपको केवल और केवल पढ़ना है सॉल्युबिलिटी, आपका जो मेन टॉपिक है समझ लो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, यानी कि हम जो सॉल्वेंट है, हम हमेशा याद रखो कि आपको जो सॉल्वेंट लेना है आपकी जो एनसीईआरटी में जो है सॉल्वेंट आपको लेना है लिक्विड, सॉल्वेंट आपको क्या लेना है लिक्विड लेना। आप लिक्विड भी इतने सारे मतलब तरीके के, कई सारे तरीके के होते हैं, केवल ऐसा नहीं है कि वाटर ही आप लिक्विड है, अल्कोहल अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप का सेवन करते हैं, ठीक है, आप शरबत पीना पसंद करते हो, ठीक है चलो। तो हमने कहा सर सॉल्वेंट और सॉल्यूट में हमें दो चीजें लेनी है, सॉलिड और गैस। तो अब हम सारी चीजों को मिटा दें, देखो सॉल्वेंट में हमने कहा सर मेरे को चाहिए केवल लिक्विड और सॉल्यूट में मेरे को चाहिए क्या, गैस। तो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड दैट इज आपका जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, एज अ लिक्विड होना चाहिए, यानी कि आपका ये हो गया सॉल्वेंट। और अब इस सॉल्वेंट में आप दो तरीके से चीजों को मिलाओगे, पहले केस में हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में किसी सॉलिड को मिलाते हैं, मतलब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को मिलाते हैं, तो क्या 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 सारा क्या इफेक्ट पड़ता है। और दूसरे केस हम देखेंगे कि अगर हम फिर से इस सॉल्वेंट में अगर हमने गैस को मिला दिया, किसको मिला दिया, गैस को मिला दिया, तो अब इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है ये सब, यानी कि आपको दो चीजें समझना है, ऐसे समझो, चलो बहुत ज्यादा नहीं ऐसे समझो, देखो ठीक है भाई। देखो ये हमें दो चीजें समझनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि आपका यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो होने वाला है लिक्विड, अब लिक्विड में कुछ भी हो सकता है ना, और जो आपका जो सॉल्यूट है, सॉलिड फिक्स है, वो आपका होगा क्या, सॉलिड, सॉलिड आपका क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ये आपकी पहली कंडीशन है, हम ये चीज पढ़ेंगे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ दूसरी चीज है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि आप किसी लिक्विड में क्या मिला रहे हो, अब आप गैस मिला रहे हो, दैट इज अब सेम वही चीज लिक्विड में ना, दैट इज आपका जो सॉल्वेंट हो गया वो क्या हो गया, एज अ फिर से लिक्विड हो गया, और हमारी जो अब यहाँ पे जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया, हमारा गैस हो गया।
तो हमें इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है, जो सॉल्यूट में, पहली बात समझना कि जो ये जो सॉलिड है, सॉलिड की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है, तो ये बहुत बड़े फैक्टर पर डिपेंड करती है। और उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, देखो अब ये जो हम ऐसे कह लो, ऐसे ये पॉइंट आप ऐसे, ये दोनों तो आप लिखना ही आपको, और ये पॉइंट ऐसे लिख लो कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, और नेचर ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा कि हमने सॉल्वेंट किस टाइप का लिया, वाटर लिया है, अल्कोहल लिया है, क्या लिया है, नॉन पोलर, पोलर दो टाइप के हमारे सॉल्वेंट होते हैं ना, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, एज वेल एज और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना, एंड थोड़ा बहुत प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत नहीं, देखो थोड़ा बहुत नहीं करेगा, प्रेशर पर डिपेंड देखो कैसे करेगा, समझेंगे, इन्हीं चीजों को तो हमें डिटेल में समझना है ना, तो इन्हीं चीजों को हमें इन दोनों के रिगार्डिंग समझना है, कि जब हम किसी, समझ लो थीम, समझ लो क्या है, कि हम जब किसी लिक्विड को, है ना, जब हम किसी सॉलिड को मिलाते हैं तो क्या होता है, और कैसे, मतलब वो सॉल्युबिलिटी हम डिफाइन कर देंगे, उसके बाद अब इसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में ये देखेंगे कि जब हम किसी लिक्विड में अगर हम किसी गैस को मिलाते हैं, है ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर, उसके टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ये चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, इतनी बातें आपको समझ में, अब हम फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। देखो बच्चे, थोड़ा सा आपको यहां से ना इमेजिन करना पड़ेगा, देखो अगर हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप थोड़ा ऐसे समझो कि आपके पास एक बड़ी सी नदी है और आपके हाथ में पत्थर है, और आपका पत्थर जो है वो एज एक सॉल्यूट है, और जो नदी है वो आपका एक सॉल्वेंट है, तो आप पत्थर को क्या कर रहे हो, नदी में डाल रहे हो ना, आप देखोगे कि वो क्या, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो आप ये हेडिंग लगा लो, या फिर चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने कहा सर मेरे पास वही वो नमक पानी वाला, आपके पास पानी है और उसमें आपने नमक डाल दिया, तो दैट इज आपका जो सॉल्ट है, NaCl जिसको आप कहते हो, वो आपका क्या है, अगर हम क्रिस्टल फॉर्म में अगर सॉल्ट को ले रहे हैं, तो हमारा वो एक सॉलिड है, और हमारी जो वाटर है वो क्या है, एक लिक्विड है ना, तो यही सारी चीजें देखने वाले हैं। या फिर आपने कहा नहीं सर मेरे पास शुगर है, हम शरबत बना करके पीना चाहते हैं, तो पियो आप शरबत बना करके, कोई दिक्कत नहीं, मतलब है वही एग्जांपल, आप ये डेली लाइफ में यूज करते हो, देखो सॉल्युबिलिटी का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा यूज है हमारे बॉडी के अंदर, इवन जो एक्वाटिक एनिमल जो पानी के अंदर जो रहते हैं, जो ओशियन है, उस ओशियन में जो रहते हैं, समुद्र में जो जीव रहते हैं, जो एनिमल्स जो रहते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं सॉल्युबिलिटी पर। भाई देखो वाटर है ना, अभी हम ये चीज़ दूसरे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, वाटर है तो वाटर में देखो गैस, दैट इज ऑक्सीजन गैस है भाई, देखो समुद्र के अंदर जो भी एनिमल्स हैं वो सांस कैसे लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी में क्या होती है मिली हुई होती है ना, समझ रहे हो, सॉल्युबिलिटी है ना, कितनी सॉल्युबिलिटी, यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है, थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो, थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करो, ऐसा नहीं कि केवल बस ऐसा कॉपी रखा है सामने मेरे, ये सब ऐसे ऐसे वर्ड्स रखे हैं, हमें बस इस वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, इसका कुछ हम रिलेट कर ही नहीं पा रहे, पढ़ने का देखो बच्चे सबसे बढ़िया सा तरीका होता है ना, आप चीज़ों को रिलेट करो, आप अपनी अगल बगल चीज़ों से रिलेट करो, आप अपनी इसको डेली एक्टिविटी से रिलेट करो, समझ रहे हो, ठीक है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें यार आपकी डेली लाइफ में, आपकी बॉडी में हर सारी चीज़ें आपको ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप जो थम्स अप जो पीते हो या फिर आप जो कोक जो पीते हो, तो उनमें भी क्या होती है, उनमें गैसेस मिलाई जाती हैं, वो आपका क्या है, वो आपका एक लिक्विड है, दैट इज लिक्विड में आपने क्या किया, गैस मिला दिया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में, इतना सारे एग्जाम्पल्स कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, इवन हर समय, ठीक है, स्टार्ट किया जाए, यही आपका थीम है, इतना बड़ा सा थीम है, चलो कोई बात नहीं, बस आपको टॉपिक जो है ना वो समझ में आना चाहिए, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, और हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी आसान से, है ना, देखो शॉर्टकट कुछ नहीं है यार, ऐसा नहीं है कि सर मैंने आपको ये बातें कई बार बताई हैं कि टाइम बीतता गया और लास्ट समय आया, एक महीना दो महीना बचा, तो आप कहो सर ये बना दो, शॉर्ट वीडियो बना दो, स्ट्रेटजी बता दो, वो कर दो, ये कर दो, है मतलब समझ लो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं काम करता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, वो कहने वाली बात होती है कि हाँ हम तो 3 महीने पहले पढ़ करके ये कर दिए वो कर दिए, सब फालतू की बातें हैं, सब पे कभी विश्वास मत करना, ठीक है।
ओके बच्चे, तो आपने फर्स्ट हेडिंग लगा ली, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सिंपल सी मतलब, सिंपल साइज का मतलब है, सबसे पहले आप ये चीज लिख लो कि इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा, आप बता दोगे ऐसे कि सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, एज अ कोई एक लिक्विड होगा। अब लिक्विड में वाटर है, अल्कोहल है, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। और जो हमारा सॉल्यूट होगा, लेकिन सॉल्यूट फिक्स है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड भी कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं आपका, जैसे आप चीनी में, आप चीनी मिला रहे हो, आप नमक मिला रहे हो, है ना, तो नमक आपका एक पोलर सॉल्वेंट है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका नमक होता है ना, सॉल्ट होता है, वो आपका एक पोलर सॉल्वेंट होता है। और देखो सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या, आपको ये नहीं पता होगा कि जो चीनी है वो हमारा एक वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, दैट इज वो कार्बोहाइड्रेट में आता है ना, शुगर जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हम इसकी पहले सिंपल सी एक डेफिनेशन देखते हैं, जैसे जिस तरीके से हमने सॉलिबिलिटी का हमने डेफिनेशन देखा था, तो इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन हमें समथिंग कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा। हम 100 ग्राम सॉल्यूशन में हम किसी सॉल्वेंट को क्या करेंगे, सॉरी किसी सॉल्यूट को मिलाएंगे, तो हम इस तरीके से हम इसका कुछ थोड़ा सा क्या देखते हैं, कुछ एक डेफिनेशन देखते हैं। क्या है देख लो, जल्दी समझ लिख देते हैं इसको, आप समझ लेना, ठीक है। देखो समझाते हैं, देखो जी बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, सिंपल, जैसे आपने सॉल्युबिलिटी को जैसे आपने डिफाइन किया था, बस यहाँ पर फर्क क्या होगा कि यहाँ पे आप जो जो आप सॉल्यूट बोलोगे, तो सॉल्यूट की जगह आप क्या बोल दोगे, सॉलिड, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, है ना, हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं, डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड। पर्टिकुलर किसी लिक्विड में 1 लीटर पानी में वो क्या हो जाए, आराम से घुल जाए, है ना, तो जितना अमाउंट उसका घुल पा रहा है उसी को हम कहेंगे क्या, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दैट इज लिक्विड आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए टू फॉर्म सैचुरेटेड। अब देखो यहां से आपके पास कुछ टर्म्स आए, सैचुरेटेड, अभी सर सैचुरेटेड का मतलब क्या, हम पहले इसको थोड़ा समझते हैं, टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देखो आपको पहले ही पता है कि सॉल्यूशन, अगर हम आप सॉलिबिलिटी को डिफाइन कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम अमाउंट घुल गया, सॉल्युबल हो गया, डिसॉल्व हो गया, अब उसके बाद कोई भी अमाउंट अब उसमें डिसॉल्व होना नहीं चाहेगा, दैट इज आप उसी को तो सॉल्युबिलिटी कहते थे, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट हो चुका है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट थी सॉलिड की वो डिसॉल्व हो चुकी है। अब पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर उस अमाउंट ऑफ लिक्विड में अब सॉल्यूट का कोई भी पार्ट डिसॉल्व नहीं होना चाहेगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जैसे आप एक सोचो, आपने शुगर वाला जो आपने एग्जांपल लिया था, है ना, आप चीनी को घोल रहे थे पानी में या नमक को घोल रहे थे पानी में, बहुत ज्यादा आपने नमक डाल दिया, बहुत ज्यादा आपने चीनी डाल दिया, नहीं घुला, ठीक है, तो जितना अमाउंट सॉल्युबल हुआ, जितना अमाउंट घुल गया, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। हाँ, यहां पर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अब यहां पर देखो हम एक टर्म समझते हैं, सैचुरेटेड, तो हमें यह पता चला, कह रहा है कि टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर आपको इस पूरे का अगर आपको मतलब समझ में आया, तो आप आसानी से सैचुरेटेड का मतलब भी बता सकते हो। हम यहां से हम कुछ बेसिक से कुछ थोड़े थोड़े कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टर्म्स देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में मे बी एक नंबर का पूछ भी सकता है, डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अब भाई देखो, अगर सैचुरेटेड है तो इसका एक अपोजिट भी होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होगा, तो हम कुछ बेसिक से टर्म्स देखने वाले हैं। देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो जैसे ये कह रहा है कि भाई मैक्सिमम अमाउंट घुल गया, अब कोई भी वो अमाउंट अब नहीं घोलना चाहेगा पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पर और पर्टिकुलर उस अमाउंट ऑफ लिक्विड में, उस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, अब वो कोई भी सॉलिड का कोई भी पार्ट घोलना नहीं चाहेगा। तो यानी कि एक ऐसी कंडीशन आ गई सॉल्यूशन में कि जिसमें अब कोई भी अमाउंट घुलना नहीं चाहता है, सॉलिड का कोई भी पार्ट उसमें डिसॉल्व नहीं होना चाहता है, तो वो जो हमें सॉल्यूशन मिला है उसी सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, अभी हम डिफाइन करेंगे इसको अच्छे से, आप लिख लेना, ठीक है ना। फिलहाल फील करो क्या है ये चीज, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुलना नहीं चाहेगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर आपको फिर से क्या करना है, आपने चीनी ज्यादा डाल दिया, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने चीनी ज्यादा डाल दिया अपने पानी में, आप उसको अगर घोलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको गर्म करना पड़ेगा। आपने देखा है, आपने कभी वो रसगुल्ले बनते हुए आपने कभी देखे हैं होटल में, या फिर आपके अपने घरों में जो बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जब होली का जब समय आता है तो आप कैसे बनाते हो, ये मतलब जो मम्मी होती है वो क्या करती है, बड़े से कढ़ाई में चीनी डाल देती है, बहुत ज्यादा चीनी, और देखो पानी कितना कम, तो क्या वो घुलता है, नहीं घुलता है, तो फिर क्या किया जाता है उसको, फिर उसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करते हो तो क्या होता है, फिर वो चीनी आराम से मस्त एकदम बढ़िया सा बन जाता है, मीठा 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 कौन इतना मीठा खाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है ना, तो आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो, दैट इज उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है, तो हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां से कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, हम उन टर्म्स को डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है।
देखो बच्चे, यहाँ से एक थोड़ा छोटा सा टर्म है क्या कि बाई डिसॉल्विंग सॉलिड, अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में अगर डिसॉल्व कर रहे हो तो देखो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर इंक्रीज होगी तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। तो डिसॉल्यूशन में क्या होता है, हमारे सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है। कंसंट्रेशन का मतलब समझ रहे हो, आपने कहा सर अभी मेरे पास पानी था, हमने उसमें क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया। अब हम उस चीनी को क्या कर रहे हैं, किसी चम्मच के हाथ से घोल रहे हैं, है ना, उसको ऐसे स्टिर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये चीनी घुल रहा है वैसे वैसे इस ये जो सॉल्यूशन आपका है ना, इसकी इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो सॉलिड है वो मतलब और घुलती जा रही है, दैट इज की जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। अब देखो क्या हो कि अगर आप कंटिन्यू अमाउंट में उसको डिसॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एक ऐसी भी कंडीशन आएगी कि जब कोई भी सॉलिड का पार्टिकल अब डिसॉल्व होना नहीं चाहेगा, समझ रहे हो मेरी बात। उस सॉल्यूशन की एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जब कोई भी सॉलिड का कोई भी पार्टिकल उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होना चाहेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर फिक्स रखना है, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में ऐसा नहीं कि उठा करके गैस पर रख दिया, लो सर आपकी बात तो गलत हो गई, नहीं, हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को फिक्स रखना है। तो हमने ये कहा कि सर आप कंटिन्यूअसली चीजों को डिसॉल्व करते जाओ, सॉलिड को डिसॉल्व, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं। ओके देखो, मैंने कहा आपसे कि अगर आप चीजों को डिसॉल्व कंटिन्यूअसली करते चलो तो जो सॉल्यूट है एक समय ऐसा भी आएगा कि अब उसका डिसोल्यूशन रुक जाएगा। तो जब डिसोल्यूशन रुक गया पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर और हमें जो सॉल्यूशन मिला है उसी सॉल्यूशन को बच्चे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी डेफिनेशन लिख ली जाए, समझ में आ गया आपको। अभी बच्चे देखो ये आपका दो पॉइंट और है, क्या हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी हम डिफाइन कर सकते हैं बाय कंटिन्यूइंग डिसोल्यूशन। ठीक है, आप अगर कंटिन्यू डिसोल्यूशन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एक स्टेज ऐसा आएगा इज रीच्ड वेयर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होना चाहेगा इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम रखना है, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर कम नहीं करना है। दिस सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब यह हो गया मेरा जितना सॉल्यूट हमें करना था, हमें जितनी चीजों को हमें डिसॉल्व करना था हमने कर लिया, ठीक है ना। अब हम फर्दर हम इसको डिसॉल्व अपने सॉल्वेंट के अंदर नहीं कर सकते, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिमिलरली एक इसका जस्ट अपोजिट हम ले लें, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट अभी भी अगर कैपेबल है ना, सॉल्यूट को सॉलिड के पार्टिकल को अभी भी डिसॉल्व करने में भी अभी भी कैपेबल है, वो जो सॉल्यूशन अभी भी कैपेबल है सॉलिड पार्टिकल को अपने सॉल्यूट में डिसॉल्व करने में, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। तो ये इतनी सारी कहानी थी किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। अब हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक इसका डिस्कस कर लेते हैं, क्या फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो बच्चे आप, नाउ हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन सॉरी सॉल्यूट इन लिक्विड। देखो तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है भाई जिन पे हमारा जो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो सॉलिड है, जो सॉलिड यहाँ पे सॉलिड का मतलब को क्या समझना है, सॉलिड जो सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात मेरी। देखो तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है हमारा नेचर है ना ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो सिंपल सी बात है, देखो अपने आप डेली लाइफ से एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपने कहा कि सर हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास ग्लास था, सेम वही एग्जांपल, आप बार बार इस एग्जांपल से बोर हो जाओगे ना, लेकिन ये फैक्ट बच्चे देखो, आपने कहा सर मेरे पास पानी था और इस पानी में हमने चीनी को घोला, मेरे पास एक पानी था इस पानी में हमने नमक को घोला, तो आप मेरे को ये बताओ कौन ज़्यादा आसानी से घुल जाएगा, नमक ज़्यादा आसानी से घुल जाएगा ना। तो भाई देखो नमक का नेचर जो सॉल्ट है, सॉल्ट का नेचर कुछ और है, शुगर है, शुगर की नेचर कुछ और है, समझ रहे हो। अब इसी तरीके से अगर हम मान लो यहाँ पे हम पानी ना लेकर के हम कुछ और दूसरा सॉल्वेंट ले लें, जैसे कि अल्कोहल ले ले या फिर केरोसिन ऑयल ले ले, समझ रहे हो, मिट्टी का तेल ले ले, कुछ भी ले ले, अलग ले ले, तो समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हो, फील आ रही समझ पे। मतलब कि नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो किस नेचर का है, जो सॉल्वेंट है वो किस नेचर का है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की। तो इसको देखो समझने के लिए आपको ये सब समझ में तो आया, तो सिंपल सी एक बात मेरे याद रखो, क्या कि लाइक डिसॉल्व मतलब जो लाइक नेचर का है, मतलब ऐसे समझो क्या कह रहा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब है कि जैसे देखो आपको बेसिकली दो तरीके के आपको जो है वो सब्सटेंस मिलेंगे, एक आपको मिलेगा पोलर सब्सटेंस
ठीक है, या पोलर कंपाउंड कह लो, और या एक आपको मिलेगा नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड में भी दो चीजें होंगी, क्या? एक आपका पोलर सॉल्वेंट होगा और एक आपका पोलर सॉल्यूट होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आपके दो चीजें मिलेंगी, क्या? एक आपका पोलर सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट में आपको क्या लेना है, सॉलिड, ध्यान रखना सॉलिड, और एक आपका पोलर सॉरी सॉल्वेंट हो गया और एक आपका पोलर सॉरी नॉन पोलर सॉल्यूट होगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो पोलर कंपाउंड है ना, वो किसी मतलब कि अगर जो पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें जो हमारा जो पोलर सॉल्यूट होगा वो आसानी से क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड में, नॉन पोलर हमारे जो कंपाउंड होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हम समझते हैं पास में, जो आपने क्लास में भी पढ़ा होगा कि पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट का मतलब जो प्लस माइनस में डिवाइड हो जाए, जैसे कि आपने कहा NaCl आपका एक पोलर कंपाउंड है, वाटर आपका एक पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड की हम बात करें तो हमारा जो एल्कोहल होता है, या फिर आपकी जो बेंजीन है, ईथर है, ईथर, थॉर किसने किसने देखा है, देखा किसी ने थॉर, वो डार्क वर्ल्ड वाला थॉर डार्क वर्ल्ड, उसमें एक वर्ड आया था ईथर, हम भी पहले कन्फ्यूज थे, ईथर मतलब एक वो है, एक ये कह सकते हो कि एक क्या कह सकते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाई गई है, ठीक है, काल्पनिक चीज़ें बनाई गई हैं, तो ईथर, वैसे उसका कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो नॉन पोलर की देखो अगर हम बात करें तो नॉन पोलर सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में नॉन पोलर हमारा जो कंपाउंड होगा वो आसानी से हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ रही, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक है ना, पोलर में पोलर, नॉन पोलर में नॉन पोलर, बड़े आसानी से डिसॉल्व हो सकता है, अभी हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसका मतलब समझ आ रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मतलब आपको फाइनली समझ में आ गया, फील आ गया है ना, कैसे आपको क्या समझना है, क्या करना है। अब हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। देखो तो आपको सर दो चीज़ समझ में आई है ना, कि हमारा जो लाइक है वो लाइक के साथ ही क्या होगा, डिसॉल्व होगा, मतलब पोलर पोलर के साथ, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ। तो फाइनली हमने कहा कि मेरे पास दो तरीके के कंपाउंड होंगे, तो हमने कहा सर पोलर जो हमारा कंपाउंड होगा, पोलर कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, सही बात है, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। एग्जांपल के तौर पे आपने कहा सर मेरे पास पानी था, पानी आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, ध्यान रखना वाटर, ठीक है, और आपने इसमें नमक मिला दिया, बड़े आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा अगर आप इसका जस्ट उल्टा करो तो पानी है और पानी में आपने चीनी मिला दिया, होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, मस्त उसको जबरदस्ती ऐसे घोलना पड़ेगा, नमक को भी घोलना पड़ेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। आप देखिए आप फील किए हो ना, तो जो चीनी होती है आपकी नॉन पोलर वो सॉल्यूट होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एग्जांपल में आपने कहा कि सर मेरे पास जो सोडियम चलो क्लोराइड कह लो, सोडियम क्लोराइड एंड आपका जो शुगर है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, आसानी से सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। तो आपको यहाँ पे क्या बात पता चली कि सोडियम क्लोराइड, देखो पोलर आप किसको कहते हो, जो प्लस माइनस में टूट जाए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड से NaCl आप कहते हो तो Na प्लस Cl माइनस टूट जाता है, वाटर है तो H प्लस OH माइनस आयन में टूट जाता है, टूटता है ना, आपने क्लास 11th पढ़ा है ना, कोई बात नहीं, पढ़ा तो आप ध्यान दो, एच प्लस OH माइनस आयन में ये ब्रेक डाउन होता है, दैट इज हमारा पोलर है, तो ये आसानी से इसमें घुल सकते हैं। सिमिलरली अब नॉन पोलर की अगर हम बात करें, इसकी बात करें अगर हम नॉन पोलर की, देखो मैंने कहा सर नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड यानी कि नॉन पोलर सॉल्यूट, कंपाउंड का मतलब क्या, आप यहां पे क्या ले रहे हो, सॉल्यूट इन इजिली डिसॉल्व इन नॉन पोलर, क्या कहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये नॉन पोलर थोड़ा सा हम सॉल्वेंट समझ लेते हैं। देखो जो आपके नॉन पोलर जो आपके कंपाउंड होते हैं इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हो, ठीक है, क्लास 11 की बातें हैं, ठीक है, इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हो। अच्छा अब नॉन पोलर हमारे कंपाउंड जैसे कैसे कैसे होते हैं, जैसे आपका देखो एल्कोहल आपका एक नॉन पोलर कंपाउंड है, दैट इज एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये सब आपके सारे के सारे क्या हैं, आपके नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है ना। तो मान लो आपको ले, देखो आपको सॉलिड में हमेशा याद रखना कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे सॉलिड, आपको सॉलिड में सॉरी आपको सॉलिड को लिक्विड में डालना है ना, दैट इज आपका सॉल्वेंट क्या होगा, एज अ एक लिक्विड होगा। तो आपने कहा सर फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं क्या, देखो हमारे पास जो नेफ्थलीन होता है, NaPH नेफ्थलीन,
ठीक है, या फिर आपका जो एंथ्रासीन होता है, ANTH, एंथ्रा TH, एंथ्रासीन, ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों हैं ये आपके सॉल्यूबल होते हैं, किसमें, आर सॉल्यूबल इन, ये किसमें सॉल्यूबल होगा, तो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब आर सॉल्यूबल इन बेंजीन कह लो, ठीक है, या कार्बन, टेट्रा क्लोराइड कह लिया, बेंजीन कह लिया, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड कह लिया। तो इन सब चीजों में हमारा ये जो जो नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर जो हमारा सॉल्यूट है, ये आपका नॉन पोलर, याद रखना है आपको, नाम याद रखना है ना, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजिली डिसॉल्व हो सकते हैं। समझ में आ रही बात है ना। ओके, जैसे मान लो, देखो अब अगर हम बात करें, आपने कहा कि सर मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर हम एक्सचेंज करते, मान लो हमने कहा कि सर हम नॉन पोलर वाले को पोलर वाले के साथ मिक्स करना चाहते हैं, और जो हमारा जो पोलर जो सॉल्यूट है हम उसको नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट के साथ मिक्स करना चाहते हैं, तो क्या होगा। इसका मतलब है, देखो आपने कहा कि सर क्या हो अगर हम शुगर को, जो कि आपका एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, हम वाटर के साथ, जो कि वाटर आपका क्या है, बात समझ रहे हो, वाटर आपका क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, अगर हम इसको साथ, अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो सॉल्यूबल तो होगा, होगा ना सॉल्यूबल, समझ रहे हो, सॉल्यूबल होगा। तो इसकी सॉल्यूबिलिटी ये देखी गई, इसकी जो सॉल्यूबिलिटी देखी गई, देखो इसकी जो सॉल्यूबिलिटी देखी गई वो देखा गया 3.8 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में लगभग 3.8 मोल इसके जो है वो सॉल्यूबिलिटी हमें देखने को मिली, सॉल्यूबिलिटी दैट इज मोल पर लीटर में होता है सॉलिड की अगर हम बात करें तो। सिमिलरली फिर ये देखा गया कि नहीं, मान लो हमने कहा कि सर अगर हम शुगर की जगह अगर हम सॉल्ट ले ले, तो सॉल्ट हमारा खुद ही क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, प्लस हमने इसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया। तो आप खुद देखो, आप अपने डेली लाइफ में आपने इसको फील भी किया होगा कि इसकी इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी देखी गई तो कितनी आई, ये आई लगभग 5.3 मोल पर लीटर, समझ लो। यानी कि अगर आप पोलर को पोलर के साथ अगर डिसॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व तो होगा, पोलर नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व तो होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको उसमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो होता क्या है, सॉल्वेंट नॉन पोलर वाले की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे जो भी आयन्स होते हैं, तो हम जो उसको ऐसे घोलते हैं ना, या फिर हम जो उसको गर्म करते हैं, तो दैट इज उसके आयन्स को हम ब्रेक करते हैं, आयन्स के ब्रेक होने की वजह से वो आसानी से क्या होता है, डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है। हमें वो सब सारी चीजें नहीं पढ़नी, हमें बस इतना समझना था कि पोलर और नॉन, मतलब कि सिंपल हमें नेचर हमें समझना था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वे कैसे। तो बेसिकली दो टाइप की आपको याद रखनी है, पोलर नॉन पोलर, यही सारी कहानी है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, ठीक है, ये समझ में आया ना। हम बात करते हैं टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म टेम्परेचर। टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो बच्चे, टेम्परेचर, दूसरी आपकी इफेक्ट है टेम्परेचर। देखो बच्चे बात समझना, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। अगर हम खास करके हमारा जो सॉल्यूट है वो अगर सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे वही सेम एग्जांपल मैं आपको दूंगा फिर से, चीनी और पानी नहीं घुल रहा है, आप क्या करो, गर्म करो, मस्त टेम्परेचर आपने बढ़ाया, क्या हो गया। अब देखो, अब ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चे कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन का ये जो प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। अब क्या होता है एग्जैक्टली, हम इसको समझते हैं। मैंने आपसे कहा क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर पर इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को, कैसे करेगा, दो तरीके से कर सकता है, या तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और सॉल्युबिलिटी भी हमारी बढ़ रही है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, होंगे ऐसे केसेस, होंगे, हम देखते हैं। देखो तो हमने कहा सर तो हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट, जो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। हमारा जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्युबिलिटी है, सॉरी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है किसके, मतलब टेम्परेचर के हेल्प से बहुत ज्यादा वो अफेक्टेड होती है। तो फर्स्ट जो हमें जो टाइप देखने को मिला है ना, वो हमें देखने को मिला क्या कि अगर हमारा जो प्रोसेस है, ये जो सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। अब ये इसका क्या मतलब है सर, सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो देखो आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जैसे मान लो एक बढ़िया सा एग्जांपल देखो आपको बताते हैं। ओके ठीक है, याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, लेकिन आप ऐसे देखो, आपके पास, आपने कहा कि मेरे पास अगर ये होता था CaO, जिसको आप क्विक लाइम कहते थे, है ना, आप इसको जब वाटर में डालते थे, H2O में जब डालते थे,
तो देखे हो कभी क्या होता है, ये उबलने लगता है, ऐसे ऐसा लगता है कि ये बॉयल्ड हो रहा है, बॉयल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये हीट को बाहर की तरफ दे रहा है, ये हीट इसमें से निकल रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, क्या बनता था बेसिकली, ये बनता था CaOH का होल राइस बन जाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कहते थे। तो ये हीट यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से हीट बाहर निकल रही है, जिसको आप कहते थे कि प्लस यहाँ से हमारी हीट भी निकल रही है। और आपने जब क्लास 11th में थे तो आपने ये पढ़ा था कि सर अगर अगर हीट निकल रही है तो इसकी हम एंथैल्पी कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। कितने बच्चों को कन्फ्यूजन है, देखो आपका ये कन्फ्यूजन, ये ऐसे चुटकी बजा के भी देखो तो क्लियर होगा, आपने पता नहीं 11th में कैसे पढ़ाई किया है, लेकिन मेरी बात समझो। देखो आपने कहा कि अगर हीट अगर हमारी बाहर निकल रही है तो उसकी एंथैल्पी हमारी कैसे होती है, माइनस में। सर कैसे, ये आपका एक सिस्टम है, सिस्टम सराउंडिंग याद है, देख लो थोड़ा सा जल्दी से देखो, ये सिस्टम सराउंडिंग आपको पता होता है, ये आपका एक सिस्टम है, ये आपका एक सिस्टम है। अब जो सिस्टम है वो सराउंडिंग को हीट दे रहा है, कैसा पॉसिबल है ऐसा? मतलब पॉसिबल मतलब कहने का क्या है कि अगर सिस्टम, भाई देखो सिस्टम बड़ा है सराउंडिंग, सराउंडिंग ऑब्वियसली बात है, सराउंडिंग सराउंडिंग बड़ा है, सिस्टम छोटा होता है। तो अगर सिस्टम सराउंडिंग को अगर हीट देता है तो चाहे यार जितना हीट दे लो सराउंडिंग पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो दैट इज उसकी एंथैल्पी माइनस। वो अपनी एंथैल्पी क्या कर रहा है, खर्ची तो कर रहा है, हाँ समझ रहे हो? अच्छा फिर एक ऐसा भी प्रोसेस होता था, अब इसका एग्जाम्पल कौन सा लिया जाए, ठीक है, एक ऐसा भी प्रोसेस होता था जब आपको लगता था कि नहीं, हमें उस चीज को कराने के लिए हमें प्लस हमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे कि आपके जितने भी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, जितने भी आपको जितने भी आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते थे वो सारे के सारे हमारे एंडोथर्मिक होते थे, मतलब जैसे कि आप उसको क्या करते थे, आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता था। ठीक है, जैसे आप इसी का देख लो, आपने कहा सर NaCl, तो NaCl को आप क्या करते हो, जब आप उसको एनर्जी देते हो, आप उसको घोलते हो ना, तो घोलने का मतलब क्या, आप उसको एनर्जी दे रहे हो प्लस आप उसको हीट दे रहे हो, तो जब आप उसको हीट दे रहे हो तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है Na और Cl में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन में बदल जाता है ये। तो मतलब आपने इसको हीट दिया, मतलब देखो आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो, समझो आप, ये आपकी एक सिस्टम है, आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो किसी सराउंडिंग से, तो अगर आप सिस्टम को अगर आप एनर्जी दे रहे हो तो इसकी जो एंथैल्पी आप लेते थे बच्चे क्लास 11th में वो कैसे लेते थे, पॉजिटिव, याद रखना। तो एंडोथर्मिक के लिए ये आपका एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या, जैसे नाम से ही लग रहा है कि पर्टिकुलर इस सिस्टम इस प्रोसेस को होने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये Na और Cl बनेगा, अदरवाइज नहीं। इसमें क्या है कि इसमें आपको इसलिए जब आप ये ऑटोमेटिकली होगा और ऑटोमेटिकली ये खुद से हीट बाहर निकालेगा, आपने देखा है कि जब आप इस चूने को जब पानी में आप डालते हो, जब आपकी जब घर की जब पुताई होती है दिवाली के समय या कभी भी, तो आप देखे होगे कि जब इस चूने को जब पानी में डाला जाता है तो ये पानी हमारा उबलने लगता है, दैट इज ये क्या बन जाता है, हमारे ये CaOH का होल राइस बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ ही साथ हमारी हीट भी बाहर निकलती है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा एक एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक हमारी हीट बाहर निकलती है। अगर हीट बाहर निकलने का मतलब है कि हीट हमारा जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग को दे रहा है, पागल है, सिस्टम से सराउंडिंग को दे रहा है, मतलब उसकी एंथैल्पी माइनस, अपना ही एनर्जी वो खर्च कर रहा है। इसमें क्या है कि इसमें हीट हम दे रहे हैं तब जाकर कि Na प्लस Cl बन रहा है, Na प्लस Cl बन रहा है। तो अगर Na प्लस Cl अगर बन रहा है, दैट इज अगर हम हीट को अगर दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी एंथैल्पी कैसी होगी, बढ़ेगी, दैट इज पॉजिटिव होगी, ऑब्वियस बात है। इस सिस्टम की एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, हीट दे रहा है तो एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ी। अगर ये हीट को बाहर भेज रहा है, सराउंडिंग में भेज रहा है, तो इसकी एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी, दैट इज माइनस। एंथैल्पी घटने का मतलब माइनस और एंथैल्पी बढ़ने का मतलब प्लस, ये होता था कॉन्सेप्ट आपका, जो भी जिस तरीके से भी आपने पता नहीं कैसे पढ़ा था, बट ये आप याद रखो। एंडोथर्मिक है तो उसकी एंथैल्पी पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकल रहा है, तो हीट बाहर निकलने का मतलब हीट अपने सिस्टम से सराउंडिंग को दे रहा है, तो अगर सिस्टम से अगर सराउंडिंग को दे रहा है तो आपकी एनर्जी क्या हो रही, घट रही है। आप किसी से एनर्जी ले रहे हो तो आपकी एंथैल्पी क्या हो रही, बढ़ रही है, सिंपल सी बात है ना। ठंडियों और गर्मियों में कुछ ऐसा ही होता होगा, आप अपना गेस, अपना दिमाग लगा सकते हो ना। तो हमें यहाँ से दो तरीके की हमें सर इक्वेशन हमें पता चले, मतलब हमें प्रोसेस पता चला कि एक हमारा एंडोथर्मिक होगा और एक हमारा एक्सोथर्मिक होगा। चलो ये बात क्लियर है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे ना कि हम एंडोथर्मिक का प्लस लें एक्सोथर्मिक का प्लस लें, जी कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एंथैल्पी हम किसकी प्लस लें और किसकी माइनस लें। देखो तो आपने कहा सर कि क्या हो कि हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है प्रोसेस को हम क्या कर लेते हैं, इज द प्रोसेस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक ले लेते हैं पहले, बहुत मेरी बात ध्यान समझना, आपको एंडोथर्मिक का मतलब आपको आ गया समझ, मैंने अभी आपको जो भी बताया एंडोथर्मिक का मतलब आपको समझ में आ गया ना। एंडोथर्मिक का मतलब कि किसी भी सिस्टम को कराने के लिए हमें हीट देना पड़ रहा है, तो अगर हीट देना पड़ रहा है तो उसकी एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी कि उसकी एंथैल्पी पॉजिटिव हो जा रही है, याद रखना। देखो तो अब हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं ना, जैसे कि हमने कहा सर सम सॉल्यूट, कौन कौन से सॉल्यूट होते हैं,
मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है, सॉलिड। सॉलिड एज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सॉलिड वाला पढ़ा ना, हम लिक्विड हम किसको डाल रहे थे, सॉलिड को डाल रहे थे। तो सम सॉलिड जैसे कि आपका जैसे हो गया NaCl, ठीक है, या फिर KCl, या फिर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, या फिर NaNO3। तो ये सब ऐसे कुछ सॉल्यूट हैं हमारे, सॉलिड हैं जो क्या करते हैं, सम सॉल्यूट दैट इज सम सॉलिड्स डिसॉल्व मोर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आप पूछो सर ऐसा कैसे हो रहा है, इसका थोड़ा सा हमें मतलब इसका हम क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा देते हैं, ठीक है। देखो ऐसा कैसे हो जा रहा है, देखो आप देखो एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड यूज करता है जो कि आप क्लास 11th में पढ़े हो, डरना नहीं सुन करके, नाम ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं, आपने पढ़ा है ली चैटलियर प्रिंसिपल को के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते थे लाश अतेलिए का नियम। ला अलग है, ला और श ते लिए लोग पढ़ाते थे अपने एक फ्रेंड को, नाम आप समझ रहे हो, लाश अतेलिए का नियम जिसको हम लोग कहते थे हिंदी में, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ली चैटलियर, CHATE दी चैटलियर, LIER ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। आप ये मत देखो केवल ऐसे मनोरंजन के लिए हिंदी ऐसे लिख दिए थे, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, देखो आपने पढ़ा, देखो बेसिकली ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के बेसिस पे हम किसी भी सॉल्यूशन की, या फिर कह सकते थे कि किसी भी इक्वेशन की हम इक्विलिब्रियम को डिसाइड करते थे। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर किसी भी इक्वेशन का बढ़ा रहे हो तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता था वो उस तरफ चला जाता था जिस तरफ उस टेम्परेचर का इफेक्ट कम हो जाए। मतलब देखो क्या मतलब है सर इसका, इसका 11th में सब चीजें थी, पता नहीं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, देखो बात समझो। तो आपने कहा सर ये कैसे हो जाए, देखो आपने कहा कि एंडोथर्मिक है, क्या है एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक का मतलब आप कैसे बताओगी, आपने कहा सर मेरे पास सॉल्यूट था और मेरे पास सॉल्वेंट था, सॉल्यूट में आपको अपने सॉल्वेंट में आपने क्या मिला, सॉल्यूट मिलाया, और प्लस आप कह रहे हो कि अगर आप ये एंडोथर्मिक है, देखो बच्चे आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो ना एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक का मतलब आप क्या कह रहे हो, आप हीट को दे रहे हो, आप हीट को दे रहे हो, तो आपका क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल बच्चे भी यही कहता था कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, है ना, मतलब आप उसकी एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब कि आप पर्टिकुलर इसके जो आपका ये जो रिएक्टेंट है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक रिएक्टेंट है, बात समझो, ये आपका रिएक्टेंट है क्लास 11th, है ना, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो अब समझो आपने जो हीट, मेरी बात समझो, आपने जो हीट ऐड किया वो आपका, अब हीट भी एक कैसा एक्ट करेगा एज अ रिएक्टेंट, हीट भी आपका एक कैसा एक्ट करेगा एज अ रिएक्टेंट, क्योंकि भाई ये रिएक्टेंट वाले साइड में है। तो अगर आप किसी भी इक्वेशन में अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, अगर आप रिएक्टेंट क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स अगर आप दे रहे हो, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। मेरी बात समझ गया क्या कहना चाहते थे हम, ली चैटलियर ने भी बच्चे देखो यही बताया, उन्होंने कहा कि फॉर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉर एंडोथर्मिक बहुत आसान था यार, देखो तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़े थे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, या एंडोथर्मिक हम रिएक्शन नहीं, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना, कि हमारा अगर जो सॉल्यूशन है वो कैसे, हाँ ठीक है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो हीट हमारा क्या है, हीट एज अ रिएक्टेंट, भाई मेरी बात समझो, रिएक्टेंट मेरी बात समझो, आपने हीट इधर ऐड किया ना, तो हीट आपका इधर वाले को आप पूरे के पूरे को क्या कहते हो, रिएक्टेंट कहते हो, ये आपका सॉरी रिएक्टेंट है, और ये आपका इधर वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आपने हीट इधर ऐड किया तो दैट इज आपका हीट क्या हो गया, एज एक रिएक्टेंट हो गया। तो अगर आपने रिएक्टेंट एज ए हीट दिया, और अगर आप हीट अगर बढ़ाओ, अगर आप हीट बढ़ाओ तो आपकी सॉल्यूशन आपका जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा, दैट इज उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ गई। सिंपल यही कहता था कि अगर आपने हीट अगर इधर बढ़ाया है तो अब इस ये जो इक्वेशन है वो अपने आप को राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर लेगा। अगर आपने हीट इधर बढ़ाया है तो ये जो इक्वेशन है अपना इक्विलिब्रियम वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर लेगा। क्यों बताते हैं,
आपने कहा सर ऐसा हो गया, हीट आपने बढ़ाया, तो हीट बढ़ाने की वजह से जैसे जैसे आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे, भाई देखो आप हीट को कैसा ट्रीट करो, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान समझना इस बात को। आपने कहा कि आपने सर हीट बढ़ाया, दैट इज आपका हीट यहां पर क्या है, एज एक रिएक्टेंट की तरह है, तो अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ आपका मतलब सॉरी जो आपका जो सॉल्यूशन की अमाउंट है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक के लिए अगर आप हीट बढ़ाओगे तो आपकी जो रिएक्शन, आपका जो सॉल्यूशन होगा, आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ गई बात, ऐसे याद रखना है। हीट हमने दिया, दैट इज हीट हमारा एज अ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट बढ़ाओ भाई, हीट बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल इस तरीके से याद रखना है, हीट एज अ रिएक्टेंट, हीट एज अ, अगर आपको ये याद हो गया ना बच्चा, अगर आपने ये चीज समझ लिया ना, ये चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज, तो आप कभी भी ली चार्टलियर प्रिंसिपल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि सर एंडोथर्मिक में क्या करें और एक्सोथर्मिक में क्या करें। चलो आपको एंडोथर्मिक की कहानी समझ में आई, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर अगर आप अगर मतलब सॉरी सॉरी आप जो सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर आप वो किसी एंडोथर्मिक प्रोसेस के हेल्प से अगर बना रहे हो, तो उस केस में अगर आप हीट को बढ़ाते हो तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है ये बात, बताओ। अच्छा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक के लिए, है ना। हमारे पास क्या है, देखो बच्चे हमारे पास है, अगर हम बात करें कि इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, प्रोसेस हमारा कैसा हो जाए, अब अगर मान लो एक्सोथर्मिक हो जाए, ठीक है, तो बात समझना। देखो ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, ये सारे के सारे नोट्स आपको पेपर में ऐसा मिलेंगे, बट समझ लो यहाँ से, और ये सारी चीजें आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेंगी जो हम चीजें आपको बता रहे हैं। नोट्स बढ़िया सा नोट्स है, आप जाकर के डाउनलोड कर लेना, मजा आ जाएगा पढ़ लोगे तो, ठीक है। देखो आपने कहा सर क्या हो अगर हमारा जो प्रोसेस है अगर वो एक्सोथर्मिक है, नोट्स की वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहां से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। कोशिश किया करो कि आप पहले पूरा वीडियो देखा करो। यार देखो भैया आपकी एक बड़ी मेरे को प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है कि हम हैं इस चैप्टर पर और कुछ बच्चे कंपेयर कहते हैं सर आप नेक्स्ट चैप्टर कराओ नेक्स्ट चैप्टर कराओ। यार ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, आप इस चैप्टर को पढ़ नहीं रहे हो और कह रहे हो सर आप नेक्स्ट चैप्टर कराओ। और हाँ, और ये भी चीज़ है, हाँ मेरे पास देखो जैसे भाई अकाउंट मेरी है, आईडी मेरी, तो हमें सारी चीज़ें पता है कि वॉच टाइम कितना हुआ है और पर्टिकुलर एग्जैक्टली व्यू कितना हुआ है। तो हम ये देखते ना कि वीडियो का जो वॉच टाइम है वो लगभग, जैसे मान लो मैंने कहा सर मैंने अगर एक घंटे का अगर मैंने वीडियो बनाया फिजिक्स का, हैं, हम ये देखते हैं कि एक दिन बीत गया, रियलिटी बता रहे हैं आपको, रियलिटी बता रहे हैं, एक दिन बीत गया क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, मतलब आप बच्चे भी बहुत कम हैं, तो एक दिन बीत गया और जो वॉच टाइम हम देखते हैं इस वीडियो का तो लगभग होता है 30 मिनट, और जो व्यू देखते हैं वो व्यू होता है लगभग 30 बच्चे देखे रहते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ क्या एक बच्चे एक मिनट वीडियो देखते हो और फिर आप नीचे कमेंट करोगे सर प्लीज प्लीज अपलोड नेक्स्ट वीडियो। ये मेरे को चीज समझ में नहीं आया सर, ये क्या चीज है, सीरियसली आप खुद कमेंट करके बताओगे सर ये क्या चीज है, मेरे को नहीं आया समझ में। 30 मिनट का व्यू है, 30 बच्चे देखे हो, हाँ मतलब कि एक बच्चा एक मिनट का वीडियो देखा है और आप कमेंट करते हो सर प्लीज अपलोड नेक्स्ट वीडियो, क्या है ये चीज है। पता नहीं आप क्या करते हो, मेरे को नहीं आता समझ में। देखो बच्चे आप पता नहीं क्या कर रहे हो बट आप खुद को धोखा दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर यार जब करंट वीडियो जो आप नहीं देख पा रहे हो, आप जब नहीं देख रहे हो कम्प्लीटली, तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर कहाँ से समझ में आएगा। ये रियलिटी है, फिर भी हम रिप्लाई करते हैं हाँ बच्चे ठीक है हम अपलोड करेंगे, ये काम चल रहा है, ये वो सारी चीज़ें हम बोलते हैं आपसे, ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन में हम आपसे बोले ना कि एक दिन हम 3 चीज़ें हम अपलोड करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये मिनिमम 3 चीज़ें होंगी, उसके अलावा फिर हम जो भी कर सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का। मे भी कभी कभी लेट हो जाएगा बट कोशिश करेंगे कि हम सुबह सुबह लगभग 9 बजे के आसपास तक हम जो इन तीनों वीडियो को हम अपलोड कर दें, ठीक है। हमें रात भर जाकर ही करना पड़ता है, मेरा थोड़ा सा टाइम टेबल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अलग है, छोड़ो वो जाने दो, वो मैटर नहीं करता, बट आपको वीडियो मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ मेरे को आज तक नहीं आया समझ में सर, ये क्या चीज़ है, आप मेरे को खुद समझाओगे कमेंट करके, जो बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं वो आप चीज़ मेरे को खुद से बताओगे, ठीक है ना। और पता नहीं आप ये अगर आप एक मिनट की अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पता नहीं आप ये भी चीज़ देखो कि नहीं देखो, पता नहीं, चलो जाने दो। शायद आप लोग शायद सोच रहे हो कि हम बाद में देखेंगे सर, जब सर जो है वो जब पूरे के पूरे चैप्टर को जब कंप्लीट कर लेंगे तब हम देखेंगे, तो
पता नहीं मेरे को क्या समझ नहीं समझ में आता, आप लोग जब ऐसा कमेंट करते हो तो मेरे को समझ में नहीं आता, फिर जब अपने जब व्यूज देखते हैं ना अपने वीडियो के तो फिर मेरा और थोड़ा सा सर घूम जाता है, चलो जाने तो ठीक है, बच्चे शायद कुछ सोच कर ही ऐसा कमेंट कर रहे होंगे। ओके ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कहा सर क्या हो कि अगर हम प्रोसेस को क्या कर दें, एक्सोथर्मिक कर दें। एक्सोथर्मिक का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कि हीट हमारी क्या हो रही हो, बाहर निकल रही हो। देखो तो हमने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, सम सॉल्ट्स, ठीक है ना, जो कि आपका एक सॉल्यूट ही होगा, क्या होगा, सॉल्यूट है ना, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि अभी हम सॉलिड पढ़ रहे हैं ना। सम सॉल्ट्स जैसे कि आपका हो गया लिथियम कार्बोनेट, नाम याद रखना है, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है, और भी कुछ है जैसे कि आपका सेरियम सल्फेट है, सेरियम सल्फेट है ना, और जैसे कि आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हो गया, ये पूरा नाम याद रखना, मोनोहाइड्रेट हो गया। तो क्या होता है कि डिसॉल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट, या फिर आप ये कह लो कि आपके पास CaO था, आपने इसको वाटर के साथ ऐड किया, H2O के साथ आपने इसको ऐड किया, तो CaOH का होल बना, तो हीट बाहर निकला, समझ लो, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम हुआ ना, हीट आपको बाहर नहीं देखने को ऐसा मिला। तो इसका क्या मतलब है, देखो आपने कहा कि दैट इज हमारा ये एक एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है बच्चे, देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, आपने सॉल्वेंट में क्या मिलाया, सॉल्यूट मिलाया, ठीक है, तो रिएक्शन हुआ, क्या क्या बना आपका, सॉल्यूशन बना, ठीक है, और यहां से जो हीट है वो भी बाहर निकल गई। तो हीट अगर बाहर निकली तो आपका ये कैसा एक रिएक्शन हो गया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब देखो ये आपकी पूरी की पूरी एक सिस्टम है, और इस सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, किधर जाना चाहती है, सराउंडिंग को दे रही है हीट। हीट जो इस सिस्टम का जो भी हीट था वो अपना हीट किसको दे रहा है, सराउंडिंग को दे रहा है। तो ये बताओ इसकी एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियस सी बात है घटेगी, आपकी बॉडी का कुछ टेम्परेचर है, आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर वेस्ट कर रहे हो, एट हाउ समहाउ कैसे आप वेस्ट कर रहे हो, मान लो आप जाकर के ठंडे पानी झील में नहा रहे हो, ऐसे वैसे समथिंग। तो अगर आप अपनी बॉडी से हीट अगर दे रहे हो तो आपकी बॉडी की जो एंथैल्पी वो क्या होगी, कम होगी। अगर आप ठंडी का समय है और अगर मान लो आप बढ़िया सा हीटर के सामने बैठे हो, पास बैठे हो, आप हीट ले रहे हो, दैट इज आप अपने सिस्टम को हीट दे रहे हो, तो आपकी एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज। तो इस केस में हम कहते हैं बच्चे क्या कि हमारी जो एंथैल्पी होगी वो हमारी माइनस में होगी। आगे समझ में, एंथैल्पी माइनस और प्लस कब होता था, एक्सोथर्मिक में हमारा माइनस में होगा और एंडोथर्मिक में प्लस में होगा। क्यों, रीजन ये है क्योंकि आप हीट दे रहे हो, ले जाओ हीट, तो आप अपनी हीट दे रहे हो ना, तो आप कैसे जाओगे, माइनस में जाओगे ना, ठीक है। अच्छा सर अब अगर आप बच्चे यहाँ पे अगर आप ली चैटलियर अगर आप प्रिंसिपल लगाओ, अगर आप ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ, यानी कि आपकी जो सॉल्यूशन मतलब ऐसे समझो कि अगर हमारा जो डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है अगर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक में आपका जो अब हीट एज अ एक प्रोडक्ट है, बात समझना, हीट एज अ एक प्रोडक्ट है, तो अगर आप इस पूरे सिस्टम का अगर आप हीट अगर बढ़ा रहे हो, दैट इज आप देखो आपका ये जो हीट है वो एज अ एक प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और ये दोनों आपके अब क्या है, एक एज अ एक प्रोडक्ट है। तो अगर आप प्रोडक्ट की अमाउंट अगर बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट की अमाउंट आप बढ़ा रहे हो, दैट इज प्रोडक्ट अमाउंट कहने का मतलब आप अगर हीट बढ़ा रहे हो, तो अगर आप हीट बढ़ा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, अपने प्रभाव को कम करने के लिए, अपने इस इफेक्ट को, इस हीट के इफेक्ट को कम करने के लिए, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इस तरफ हो जाएगा, मतलब कि अब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, समझ में आ गई बात। तो ये होता है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। तो आप ये कहोगे कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर जो भी आपका स्पेलिंग लिखे, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें आपको याद रखना है कि एज अ हीट जो हमारा होता है एज अ प्रोडक्ट, है ना, हीट एज अ प्रोडक्ट, हीट आपका क्या है, एज अ एक प्रोडक्ट है ना। तो अगर आप इंक्रीज कर रहे हो बाय इंक्रीजिंग
बाय इंक्रीजिंग हीट, अगर आप हीट को अगर इंक्रीज कर रहे हो तो दैट इज आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो इंक्रीजिंग हीट हम ये कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। समझ में आ गई बात बच्ची? ये याद रखना, ली चैटलियर से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ली चैटलियर देखो बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने काफी अच्छी चीजें देकर गए हैं। वो अलग बात है कि आपने कभी समझा नहीं ली चैटलियर आपने कभी ली चैटलियर को समझा नहीं, तो इस वजह से आपको ली चैटलियर बुरे लगते हैं, काफी खराब लगते हैं। सर कैसे साइंटिस्ट है, क्या नाम है, ली चैटलियर ये वो फलाना ढिकाना टिमका टिमका पता नहीं क्या क्या आप बोल देते हो ली चैटलियर्स को। तो ली चैटलियर्स अच्छे इंसान हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए, बस आपने कभी उन कॉन्सेप्ट को अभी आपने ध्यान से समझा नहीं। ये वही सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन्होंने भी डेली बेसिस पे इन सारे चीज़ों को ऑब्जर्व किया और देन फाइनली अपना उन्होंने कंक्लूजन निकाला। वो अलग बात है आप कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, वो हिंट दे रहे हैं फिर भी आप कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो। देखो समझ लो, एक जनरेशन होती है, जनरेशन हमें देखो लगता था पहले क्या कि हमारी जनरेशन जो है वो कुछ ऐसे होगी, हम यहाँ हैं फिर यहाँ, ठीक है, फिर और इधर जाएंगे और इधर जाएंगे और इधर जाएंगे और इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, ऐसे हमें ऐसे लगता था। लेकिन अब पता है क्या लग रहा है, हम यहाँ हैं, जनरेशन ऐसे जा रही है ऐसा लगता है कभी कभी, ठीक है। लोग और पता नहीं क्यों बच्चे और मूर्ख होते जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या है, ऐसा होता है। देखो किसी भी चीज़ की दो, किसी भी बात की जो है किसी चीज़ की दो बातें हो सकती हैं, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। लोग कहते हैं कि आने वाला समय काफ़ी स्मार्ट होगा, लोग इंटेलिजेंट होंगे, लोग स्मार्ट होंगे। क्या ऐसे ही स्मार्ट होंगे, स्मार्टफोन करके स्मार्ट होंगे? नहीं, स्मार्टफोन करके स्मार्ट बनोगे तो फिर उस स्मार्टनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही स्मार्ट नहीं बनना है कि आपको कुछ नहीं करना पड़े, यू बस ऐसे चला रहे हो, अंगूठे चला रहे हो और टिकटॉक की वीडियो देख रहे हो फिलहाल, वो तो बंद हो गया, अच्छी बात है। मतलब आपको कुछ टाइपिंग भी नहीं करना पड़ा है, ये हैं बस केवल ऐसे यू, अच्छा ये वीडियो, अच्छा ये वीडियो, अच्छा अच्छा लाइक कर दो ये ये ये, बस। मतलब पता है आपका माइंड जो है ना वो फ्रीज हो गया, समझ रहे हो? आप ये सब जितनी चीज़ें चलाते हो ना, देखो हम किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहे हैं आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, चलाओ नो प्रॉब्लम, चलाओ नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन उसका अच्छे पर्पज़ के लिए, ठीक है। जानते सब बातें 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 बात की है यार, आप कहोगे सर क्या बताने लगे, चलो ठीक। तो आपको इतना समझ में आ गया क्या कि अगर आप टेम्परेचर है ना, अगर आपका जो प्रोसेस है टेम्परेचर में, हमने दो चीज़ें पढ़ी कि अगर हमारा अगर प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब हम एक लास्ट बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है, और आपका जो सॉल्यूट है वो भी क्या है, एक सॉलिड है, है ना। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या आपने कभी वाटर को प्रेस किया है, पानी को आपने कभी दबा करके देखा है, क्या वो दब जाता है? बोलो, दबता है पानी? नहीं दबता। क्या आपने सॉलिड को कभी दबाया, क्या सॉलिड दब जाता है प्रेशर की वजह से? हाँ वो दब जाता है, लेकिन लिक्विड जल्दी नहीं दबता। तो इसका रीज़न क्या है कि प्रेशर पर कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट हमें नहीं पड़ना है। हाँ, लेकिन यही चीज़ इसका जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा क्या कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, अब उस केस में हमें प्रेशर पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखो गैसेस को हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू लिक्विड, गैसेस को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू सॉलिड। तो यही टॉपिक हमारा अगले वाले जो टॉपिक हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक में बहुत बड़ा फैक्टर एक रोल करेगा, और उसके बेसिस पे आपको हेनरीज लॉ पढ़ने को मिलेगा। हेनरी भी बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, मतलब बड़े अच्छे केमिस्ट थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। आप पता नहीं हेनरीज को क्यों इतना बुरा समझोगे, बट ऐसा नहीं, बहुत अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं, ठीक है। वो स्मार्ट पर्सन थे, देख रहे हो कब की बात है और हम लोग अब पढ़ रहे हैं, सोच रहे हो जनरेशन देख रहे हो कहाँ जा रही है, आपको नहीं लगता? हेनरीज पता नहीं वो लगभग 17-18 के आसपास उन्होंने बातें बताई, सॉरी 18 के आसपास, और अब देख लेना कब बताई और अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मतलब तो देख लो कितना गैप है। ऐसा नहीं लगता आपको कि हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही है? पता नहीं ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि आने वाला जनरेशन स्मार्ट होगा, पता नहीं स्मार्ट, मेरे ख्याल से लगता है वो अगर स्मार्टफोन ले लिए तो आप स्मार्ट हो गए, या फिर आपने एक बढ़िया सा स्मार्ट वॉच पहन लिया तो आप स्मार्ट हो गए, पता नहीं क्या, जो भी मैटर हो, बट ऐसा आपको नहीं बनना है, ठीक है। कोशिश करो आप ऐसा नहीं बनो, ठीक है ना। आपको अपने जनरेशन को स्मार्ट बनाना है,
स्मार्ट बनाना है तो स्मार्टफोन देकर दिला करके स्मार्ट नहीं बनाना है, स्मार्ट बनो, सच में स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब आप लोग पता नहीं क्या समझ लेते हो। ठीक है भाई, चलो देखो अभी स्मार्ट नहीं है। देखो अच्छा, आपने कहा सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो हमने कहा सर प्रेशर हमारा, अगर हम बात करें लिक्विड पर और सॉलिड पर, तो लिक्विड पर हम चाहे जितना ही प्रेशर दे दें, क्या आपने कभी सुना है कि हम किसी लिक्विड को प्रेशराइज कर रहे हैं? हमने आपने सुना होगा कि हम हमेशा किसी गैस को प्रेशराइज करते हैं। जैसे अगर हम मान लो मेरे पास जो एक व्हीकल है, व्हीकल में जो हमारी जो सिलेंडर के अंदर जो हमारी जो कंबशन का काम होता है, तो कंबशन बेसिकली में हम पहले कंबशन करने से पहले हम क्या करते हैं, हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं। तो याद रखना कंप्रेस किसको किया जा सकता है, गैसेस को। तो इस केस में जो कि हम पढ़ रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इस केस में प्रेशर का बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा सर कि प्रेशर डज नॉट शो द इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी, ठीक है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड Because solid and liquid are highly क्या incompressible, ठीक है, इसलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ज्यादा मायने नहीं रखता। कौन सी केस में, जो कि हमने अभी ये केस जो हमने पढ़ा है, कौन सा केस, ये हमारा केस है कौन सा केस, केस नंबर 417 नहीं कौन सा केस, केस जो हमारा है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये वाले केस में प्रेशर ज़्यादा मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारी जो सॉलिबिलिटी है वो हमारा सॉरी जो हमारा जो लिक्विड है और जो सॉलिड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है, आप उसको बहुत जल्दी आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना, तो इस वजह से प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फिलहाल देखो अभी हम केवल एक टॉपिक कर दिए, क्या हमने अभी एक टॉपिक किया सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, नाउ हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक की और इससे रिलेटेड इसमें आपके हेनरीज लॉ आएंगे। हेनरी ने भी भाई कुछ नहीं कहा, जो बातें थी उन्होंने भी अपना हाँ में हाँ मिला दिया, अब उस हाँ में हाँ उन्होंने क्या मिला हमें उसी हाँ को समझना होगा और उसके बेसिस पे हम करेंगे फिर न्यूमेरिकल्स। इसमें आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, आपको अगले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और साथ ही साथ हेनरीज लॉ को भी हम उसमें समझेंगे, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल को करेंगे। क्लियर है, तो आज का ये वीडियो हो गया कंप्लीट। देखो आपको हमें क्या करना है, हमें तीन वीडियो कंटिन्यूअसली अपलोड करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, है ना, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था मेरे को, बट समहाउ आज आपका ये जो रात है लगभग आप ये कितना बज रहा है ओके 7:32, तो लगभग आपकी एक घंटे बाद, लगभग आपको दो घंटे बाद ये आपको वीडियो मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को कन्वर्ट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और सारा का सारा काम वीडियो बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना और सारी की सारी चीज़ें हम ही करते हैं, है ना, वीडियो को फिर एडिट करना, वीडियो में कहाँ क्या गलत हुआ है, कहाँ क्या हमने कुछ चीज़ें मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो आप समझोगे नहीं, तो जो मिस्टेक हो जाती हैं तो उनको फिर इम्प्रूव करना होता है, तो सारी चीज़ें हम करते हैं। तो कम से कम दो घंटे और आपको लगभग 9 बजे तक 8:30 ओके 9 बजे तक आपको ये जो लेक्चर है वो आपको अपने यूट्यूब पर आपके मेरे प्यारे वाले चैनल जो कि राउंड टेबल स्टडी आपका इस चैनल का नाम है उस पर मिल जाएगा, ठीक है ना, और सारी चीज़ें देखो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ नो कॉस्ट, आपको अगर कहीं भी अगर कोई पैसे से कोई दे ले रहा है तो समझ लेना फिर कहीं घपला है, आपको कहीं से कुछ नहीं खरीदना वरीदना है, सब आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर के बस इसके नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जानते हो आपको क्या करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को, आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको शेयर करो, है ना, आपके जो भी प्यारे हैं आप उनको शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।